नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की क्रमाग्रम न्यूज़ अपडेट के बारे में। काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूँगा जिनका जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस की तरफ से, जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं और इनकी प्राइस कुछ इस तरह यहाँ पर रहने वाली है। मतलब स्टार्टिंग प्राइस आप इसे समझ सकते हैं, जो सैमसंग गैलेक्सी S9 है उसकी प्राइस इंडिया में है 57,900 रुपये, जो कि मतलब स्टार्टिंग वर्जन है, और जो S9 प्लस है उसकी प्राइस है 64,900 रुपये स्टार्टिंग वर्जन की। दोनों यहाँ पर लॉन्च हो गए हैं और 16 मार्च से आप जो है इन्हें मतलब ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर ये उपलब्ध कर दिए जाएंगे, उसके बाद आप इन्हें खरीद पाएंगे। तो काफ़ी मतलब है कि अच्छी बात ये भी हो जाती है कि मतलब जल्दी से ही यहाँ पर इंडिया में निकल के आ गए। पहले जब मोबाइल लॉन्च हुआ करते थे तो इंडिया में थोड़ा सा टाइम लगता था आने में, लेकिन आजकल इंडिया एडवांस हो चुका है तो उसके चलते जो है इंडिया के अंदर जल्दी जल्दी ये मोबाइल आने लगे हैं। अगली अपडेट फिर से यहाँ पर निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी J7 और J7 Max की तरफ से। दोनों की प्राइस में जो है कमी कर दी गई है, अब आप इन्हें ले सकते हैं। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro है उसे आप ले सकते हैं 18,900 रुपये में, और जो मैक्स है J7 Max वो है 14,900 रुपये का। तो ये दोनों आप इस प्राइस के अंदर ले सकते हैं। तो काफ़ी जो है किफ़ायती कीमत इनकी कर दी गई है कम, और 2-3 महीने बाद जो है इनमें और कटौती यहाँ पर कर दी जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है ओला की तरफ से। सिंगापुर से डायरेक्ट जो है रिपोर्ट हुई है यहाँ पर, तो काफ़ी मतलब एक गर्व की बात हो जाती है कि ओला जो है एक इंडिया की कंपनी है और विदेशों में भी काफ़ी जो है धाक जमाए हुई है अपनी। तो आप सब जानते हैं ओला क्या चीज़ है, तो यहाँ पर बात निकल के आती है $1 बिलियन को लेकर। ओला जो है यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग कंपनीज के साथ जो है पार्टनरशिप भी किए हुए हैं। तो सिंगापुर की एक कंपनी है टेमसेक के, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम जो है ओला के अंदर $1 बिलियन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में जो भी ओला के मतलब संसाधन चलते हैं, टैक्सी कार्स जो भी हैं उनके ऊपर जो है ये खर्च करने वाले हैं। तो कितनी मतलब एक बड़ी बात यहाँ पर निकल के आती है, तो काफ़ी खुशी मिलती है अंदर से कि इंडिया जो है मतलब बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज हैं काफ़ी डेवलप हैं, लेकिन इंडिया जो है थोड़ा सा पीछे है, इतना भी ज़्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा सा पीछे है। अब इंडिया के लोगों को इस प्रकार से अगर पैसा मिलने लगे तो काफ़ी जो है इंडिया में तरक्की की जा सकती है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, निकल के आ रही है Xiaomi MI Note 2 की तरफ से। आपके पास होगा, काफ़ी सारे लोगों के पास होगा और काफ़ी बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि MI मतलब Note 1 में अपडेट आएगी क्या, और ये कि 2 में आएगी क्या, 3 में आएगी क्या। अब 3 तो छोड़िए, MI Note 2 के अंदर जो है ओरियो अपडेट यहाँ से मतलब बेटा रोम जो है टेस्टिंग के लिए छोड़ दी गई है। अगर वो ठीक से यहाँ पर काम करती है तो उसके बाद जो है कन्फर्म रोम यहाँ पर भेज दी जाएगी, जो कि होगी ग्लोबली ओपन, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो MIUI की तरफ से यहाँ से रिलीज कर दी गई है। अगर आपके पास है MI का Note 2 या तो आपके पास अपडेट आ चुकी होगी, अगर आपने अपडेट कर लिया है तो नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किस प्रकार का मतलब आप फील कर रहे हैं अपडेट आने के बाद, क्या कुछ सुधार हुआ है, पहले से ज़्यादा कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं मोबाइल के अंदर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों ARM की तरफ से, जो कि बनाते हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए ग्राफिक कार्ड। तो इन्होंने जो है 2 नए ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं, जो कि है G52 और माली G31। दोनों जो ग्राफिक कार्ड हैं पहले वाले से ज़्यादा मतलब डेवलप किए हुए हैं, जो कि पहले आते थे हर बार जो है इनमें कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट यहाँ पर दे दी जाती है, और काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। अगर किसी मतलब नेक्स्ट मोबाइल के अंदर लगेंगे तो ग्राफिक परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलेगा। कुछ मतलब बजट मोबाइल हैं उनके अंदर भी अगर इस प्रकार के ग्राफिक यूनिट को यूज किया जाएगा तो काफ़ी मतलब एक अलग एहसास मिलेगा उस मोबाइल को यूज़ करने का, तो एक अच्छी बात ये भी हो जाती है। दोस्तों, अब अगली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei जो है अपना हाई असिस्टेंट नाम का जो है कि असिस्टेंट लॉन्च कर रहा है, जो कि टक्कर देगा। यहाँ पर बताया गया कि गूगल असिस्टेंट है, Amazon Alexa है, Bixby है और iPhone का भी है, तो इन सबको जो है यहाँ पर टक्कर देने वाला अब निकल के आएगा। तब देखेंगे मतलब Huawei ने ऐसा कौन सा यहाँ पर कमाल कर दिया है या फिर कौन सा तीर मार दिया है कि इन सभी मतलब काफ़ी पुराने काफ़ी डेवलप हुए जो भी मतलब
असिस्टेंट हैं इनको मतलब पीछे छोड़ देगा। हो सकता है कुछ नया किया हो, कुछ मतलब सरल तरीका अपनाया हो, तो जितना मतलब अच्छा होता है उतना ही जो है ज़्यादा उसका पर्सनल होता है। तो आने के बाद देखते हैं इसमें क्या हमें मिलने वाला है। अगली अपडेट फिर से आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे SE जो है लॉन्च कर दिया गया है US के अंदर $229 में। प्राइसिंग भी मतलब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर लग रही है। हुआवे का Mate 10 निकल के आने वाला था, लेकिन ये SE नाम से जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉन्च कर दिया है US के अंदर, और वहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर सेल हो गया तो ठीक है, वरना इंडिया में भेज देंगे सीधी सी बात। यहाँ पर तो लोग खरीद ही लेते हैं, काफ़ी मतलब दयावान लोग रहते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही फिर से गूगल की तरफ से। गूगल जो है मतलब यहाँ पर एक नया फीचर ऐड कर रहा है। अगर आप तेज ऐप यूज़ करते हैं गूगल का, जो कि तेज पेमेंट एप्लीकेशन है, उसके अंदर ही आप अब अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर पाएंगे, तो ये गूगल का एक नया मतलब तीर समझ लीजिए, शायद कुछ अपर लेवल पर आने के लिए ये नया तीर जो है गूगल ने यहाँ पर लगा दिया है, और काफ़ी अच्छा भी है। वैसे तेज एप्लीकेशन जो है वास्तव में ही तेज है, मतलब जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से निकलकर दूसरे के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। सिर्फ बीच में होती है एक तेज एप्लीकेशन, और उधर से भी कुछ इसी प्रकार का होता है, और आपको जो है रिडीम में कोड भी मिल जाते हैं। एक अच्छी एप्लीकेशन, अगर किसी चीज़ मतलब या फिर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसे अच्छा बताने में मैं परहेज नहीं करता हूँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ तेज एप्लीकेशन जो है काफ़ी अच्छी है। मैं भी मतलब यूज में लेता हूँ इस एप्लीकेशन को, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। लेकिन इसमें अगर चैट वाली व्यवस्था भी हो जाती है तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि हमें जो है चैटिंग करने के लिए अलग एप्लीकेशन रखनी पड़ती है, अलग अलग पेमेंट रखने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन बन जाए जो कि सबसे बेस्ट हो, सब कुछ जो उसी में हो जाए। मतलब उसमें आप चैट भी कर सकते हैं, पेमेंट भी सेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी उसी से जो है मेल वेल का सामान भी इधर उधर कर दें, काफ़ी बढ़िया मतलब एक जगह एक ही प्लेटफार्म हो जाएगा जहाँ पर हम एक ही जगह पर सारे काम कर लें, और दूर दूर इधर उधर जो है बार बार मोबाइल की स्क्रीन को घुमा घुमा कर दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर ना खोलनी पड़े। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है VU की तरफ से, जो कि एंड्रॉयड TV बनाते हैं या फिर स्मार्ट TV बनाते हैं। तो एक और जो है यहाँ पर TV बनाया है। TV की साइज क्या है नहीं पता, लेकिन 13 मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च करने की यहाँ पर बात हो रही है VU की तरफ से। वो गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट इसमें मिलेगा पूरी तरह से, मतलब गूगल असिस्टेंट के साथ जो है इस TV को यहाँ पर बनाया गया है, तो काफ़ी बढ़िया TV हो सकता है। वैसे भी जो VU की TV है काफ़ी अच्छी आती है, अच्छी क्वालिटी होती है इनमें, और प्राइसिंग भी जो है एक ठीक ठाक होती है। मिड रेंज की TV भी मिल जाती है, और काफ़ी हाई लेवल की TV भी VU के अंदर मिल जाते हैं आपको। मतलब YouTube के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा, काफ़ी अच्छे TV आते हैं। वैसे देखते हैं ये TV निकल के आता है तो इसमें क्या होता है, शायद मैं आपको इस TV के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के दूं, या टेक अपडेट्स के अंदर ही इसकी थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर जानकारी मैं दे दूँ। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मतलब लास्ट अपडेट यहाँ पर यही थी, उसके बाद कोई अपडेट यहाँ पर नोटेड नहीं है। तो वीडियो पसंद आया होगा, हो गए होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ आप भी अपडेट, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को जोर से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें पता चले हम भी आते हैं इस प्लेटफार्म के ऊपर। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।